everyone, welcome again to another vlog of Navratri. So friends, in this video I will share 2 days clips of Navratri Utsav of my place. और ये video ये clips हैं 30 September की. यहाँ मैं सुबह पूजा कर रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बस उसके बाद फ्री होने के बाद मैं तसल्ली से पूजा करती हूँ. और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पिछले कुछ ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ पर नवरात्रि कैसे मनाई जा रही है. मैंने आपके साथ काफ़ी सारे कीर्तन के ब्लॉग्स भी शेयर किए हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लग रहा है. तो मैंने सोचा कि एक दो ब्लॉग इस तरह के और शेयर करती हूँ आपके साथ. बट फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने लाइक नहीं आते हैं जितने व्यू आते हैं. माता रानी के ब्लॉग्स अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे बहुत सारा मुझे मोटिवेशन मिलता है. और इसी तरह से माता रानी की के कीर्तन करते हुए, मस्ती करते हुए, गाते बजाते हुए 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला. और फ्रेंड्स, इस वीडियो में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये तो ये वाली जो क्लिप्स हैं ये हैं 30 सितंबर की. यहाँ बस मैं भगवान जी की पूजा करने के बाद ये जो कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े हैं उनको मैं शॉर्ट आउट कर रही थी, क्योंकि डीक्लटरिंग तो स्टार्ट कर दी है हमने. जिस तरह से हम बच्चों के कपड़े जब खराब हो जाते हैं उन्हें हटा देते हैं, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं हटा रही हूँ. और क्योंकि कुछ नए कपड़े भी मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आने हैं. और वैसे भी अभी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो लड्डू गोपाल जी के भी विंटर के क्लोथ्स आएंगे, तो बस इन चीज़ों को अरेंज करके भी रखना होता है, क्योंकि मंदिर का बहुत सारा सामान ऐसा हो जाता है जो यूज़ नहीं होता है डेली यूज़ में. तो और हर चीज़ को टाइम टाइम पर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. बस इसी तरह से मैं यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी के एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, देखिए कितने सारे फटे हुए भी हैं, वो मैंने रखे हुए थे. और ये क्लिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, इन लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़ों से मैं एक DIY करने वाली हूँ और आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी. और ये क्लिप्स उसी दिन के हैं जिस दिन मैंने दिया स्टैंड बनाया था, और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. बस इसके बाद मैं शाम को फिर से कीर्तन में चली गई थी. मेरी एक और सोसाइटी में फ्रेंड है तो उनके घर की क्लिप्स हैं ये. मैंने वहाँ पर कोई ज़्यादा शूट नहीं किया था. और इसके आगे की मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ फर्स्ट की, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. और फ्रेंड्स, ये वाले कीर्तन की क्लिप मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ पिछले वाले व्लॉग में. तो ये शाम का मैंने यहाँ पे नवरात्रि का खाना बनाया था फास्ट का. ये है सामक के चावल की खीर, बस सिंपल इसमें दूध डाला है, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं. और ये है सिंघाड़े का आटा, मैंने यहाँ पे इसको गूंद लिया था आलू मिलाकर. और फ्रेंड्स, इतनी टायर्ड हो गई थी शाम तक, मैंने दिन में कीर्तन अटेंड किया, उससे पहले मैंने आपके साथ DIY जो बनाया था वो भी शेयर किया था, साथ में एडिट भी किया था उस वाली वीडियो को. तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि इन चीज़ों का मैं शूट करूँ. बस बहुत सिंपल सा खाना बनाया हुआ, यहाँ पर लौकी और आलू सब्जी है और सिंघाड़े का आटा मैंने गूंद लिया था आलू मिलाकर. और बस ये जो पूरियां बनती हैं यहाँ पे मैं इनको हाथ से बनाऊंगी. अगर आप इनको बेलन से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी बनती नहीं है. और इसका एक ट्रिक ये भी है कि जैसे आटा गूंदे आप फटाफट से मतलब बनाना शुरू कर दीजिए. अगर इसको थोड़ी देर रख देते हैं ना हम, तो ये आटा पतला हो जाता है. स्टार्टिंग की पूरियां तो बहुत अच्छी निकल जाती हैं, कई बार फूल भी जाती हैं वैसे, लेकिन इस आटे को अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे या फिर पानी मिला के गूंदते हैं तो बहुत जल्दी ये पतला हो जाता है, तो फिर बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती. तो फिलहाल मेरी पूरियाँ तो मतलब टच वुड अच्छी बन गई थी. और जब भी नवरात्रि का मैं खाना बनाती हूँ तो पूरी फैमिली के लिए एक सिंपल ही खाना बनता है. अगर किसी को जैसे मतलब बेटे का फास्ट नहीं था तो उसके लिए मैं रोटियां वगैरह बना देती हूँ. हस्बैंड को तो मतलब नवरात्रि का खाना बहुत ही पसंद है.
फ्रेंड्स यहाँ पे सिंघाड़े की आटे की पूरियाँ भी बन गई हैं और सारा खाना जो नवरात्रि का व्रत का थाली में लगाना था मुझे वो सब तैयार है। तो चलिए लगा लेते हैं नवरात्रों की व्रत की थाली। इसमें मैंने रखा है यहाँ पे भुना हुआ साबुदाना और मूंगफली, साथ में दही है और लौकी और आलू की सब्जी है, और साथ में रखी है मैंने यहाँ पेठे की मिठाई और फ्रूट्स में है एप्पल और बनाना और सिंघाड़े की पूड़ियाँ, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, और ये जो मैंने सामक के चावल की खीर बनाई थी ये भी मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे नवरात्रि की व्रत की थाली तैयार है। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, तो चलिए मंदिर में चलते हैं। और यहाँ पे शाम की जो ज्योत बत्ती की थी वो दीपक जल रहा था, बस यहाँ पे अभी माता रानी को भोग लगाएंगे और 9 बज रहे हैं इस टाइम पर। और फ्रेंड्स इसी वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जागरण की क्लिप्स, आज ही हमने जागरण भी अटेंड किया था तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप यू विल बी एंजॉय। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अरे माँ की चुंडी आपके समक्ष आ रही है, कभी चोरी नहीं करूंगा। और वो शंकर भगवान का बनाने जा रहा है।